नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ है शांति स्वरूप बोध, जो कि किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं है। मैं सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहूंगी एसएम न्यूज में। धन्यवाद बेटे, आपके चैनल का भी धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम शांति स्वरूप बोध जी से पूछना चाहेंगे कि ब्राह्मणों से ज्यादा बहुजन समाज के लोग पूजा क्यों करते हैं। हाँ बेटे, सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने कि असल में ब्राह्मण तो पूजा करता ही नहीं है, वो तो अपनी पूजा का प्रचार करता है। वो इस देश में एक बहुत बड़ा झूठ ये फैलाया गया कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा विद्वान होता है। आम जनता को यही पता है कि बस आज ये ब्राह्मण जी पाए लागे, तुरंत ये प्रचार का परिणाम है और ब्राह्मण जो कहेगा उसकी बात को मानना है। तो ब्राह्मण जो पूजा पाठ करता है उसको सब पता है कि इन पूजा पाठ से कुछ मिलना नहीं है और उससे ज़्यादा कोई जानता भी नहीं है, मगर क्योंकि जैसा ब्राह्मण करेगा वैसे ही इसके बहुजन लोग करेंगे, इसलिए वो करता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूजा पाठ ठगने के लिए, पूजा पाठ का आविष्कार ब्राह्मण ने किया, मगर उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो बहुजन समाज को हो रहा है, छोटी जातियों को हो रहा है, कमरे वर्ग को हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था सामाजिक क्रांति के बारे में कि इस देश में सामाजिक क्रांति बड़ी मुश्किल है। कारण क्या है कि जिसको क्रांति की ज़रूरत है, जिसको क्रांति की ज़रूरत है वही भ्रांति में फंसा हुआ है। वो बजाय इसके कि क्रांति करे, अपनी कमाई का पैसा बचा के रखे, वो जाता है मंदिर में और अपनी कमाई का पैसा चढ़ा के आ जाता है। आज जितनी भी ये जो मंदिर की इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा कमाऊ इंडस्ट्री ब्राह्मण के लिए, जितना आप देखते हैं मंदिरों में सोने के मुकुट चढ़ाए जा रहे हैं, सोने का तख्त चढ़ाया जा रहा है, करोड़ों रुपए चला रहे हैं। कुछ पिछले दिनों मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, 6 करोड़ रुपए अमिताभ बच्चन जी देकर आए, जबकि अमिताभ बच्चन जी भी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके हिसाब से वो शूद्री हैं। तो शूद्र लोग जो हैं अकल से काम नहीं ले रहे हैं और हमारी बदअकली की वजह से ब्राह्मण बेचारा पलता जा रहा है। आज जितने भी अब देखिए कांवड़ लेकर लोग गए हुए हैं, सावन के महीने में कांवड़ जाते हैं ना, वहाँ से वो जल लेकर आते हैं, फिर शिवलिंग पर आकर के उसका अभिषेक करते हैं, उसको चढ़ाते हैं, तो ये कौन कर रहे हैं? ये ब्राह्मण तो है नहीं, उसमें बनिए भी नहीं हैं, क्षत्रिय भी ना के बराबर हैं। ज़्यादातर उसमें बहुजन समाज के लोग हैं। बहुजन समाज के कौन लोग हैं? पिछड़ा वर्ग, अछूत वर्ग जिसको दलित भी कहते हैं, और आदिवासी लोग, ये कांवड़ लेकर जाते हैं। इनको वहाँ से कुछ मिलता है, उनको ये पता नहीं चलता कि तुम 15 दिन के लिए अपने काम धंधा छोड़कर वहाँ जा रहे हो और तुम पैसे भी अपने ख़राब कर रहे हो, कमाई तुम कर नहीं रहे, और वो पैसा इकट्ठा होकर के जिसके पास जाता है वो उस पैसे को हमें बर्बाद करने के लिए लगाता है। वो उस पैसे के बल पर गुंडों को पकड़ के लाता है, गुंडों को पैसे देता, वो हमको पिटवाता है, हमारे कार्यक्रमों को भ्रष्ट कराता है, और ये जो जितना भी पैसा इनके पास आता है वो फिर हमें बर्बाद करने के काम में लगाया जाता है। तो इसलिए ये इससे अच्छा युग कभी नहीं आएगा जब अकल से हमें काम लेना होगा। आज इस देश के सारे बहुजनों से मेरा निवेदन है कि अगर अंधविश्वास करने से ही तुम्हें रोटी मिल रही है तो भैया तुम काम क्यों करते हो? अगर माता मैया के दरबार में जाके तुम्हें पुत्र प्राप्ति होती है तो तुम भैया विवाह क्यों कर रहे हो? सीधी सी बात है ना। अगर बाबा रामदेव कहता है कि योग खत्म करे सारे रोग, अरे योग से सारे रोग खत्म हो रहे हैं तो बाबा जी तुम दवाई किसके लिए बना रहे हो? तो लोग नहीं समझते। ये सब लोगों को लूटने के इनके पास बड़े सुंदर सुंदर तरीके हैं और वो तरीके उन लोगों पर सफल होते हैं जो सांस्कृतिक दृष्टि से, जो बौद्धिक दृष्टि से, जो विरासत में उनको मिला है उसकी दृष्टि से कमज़ोर होते हैं। और शांति स्वरूप बोध तो ये मान के चलता है कि जो कांवड़ जाएगा और कांवड़ से आएगा पानी लेकर, उससे ज़्यादा अच्छा जीवन हम जी रहे हैं, उससे ज़्यादा सुख शांति का जीवन हम जी रहे हैं। हमारे पास सम्मान भी है, हमारे पास एक विरासत भी है, हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम भी है, हमारे पास पूजने के लिए हमारा बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और अपने ज्योतिबा फूले, कबीर संत, संत शिरोमणि गुरु रविदास, ये है ना हमारे पास पूजने के लिए। इनकी हम पूजा करते हैं तो एक सामाजिक दायित्व की पूर्ति होती है, और तुम दुश्मनों की संस्कृति को पालते हो,
इससे तुम्हारा भविष्य ओझल होता है। क्या मिला तुमको पूजा पाठ करने से? पूजा पाठ जिन्होंने शुरू की आज वो तुम्हें पूजा पाठ के चक्कर में लगाकर तुम्हारा भविष्य पहुंच के रख दिया। सारे काम धंधे खत्म और सरकारी नौकरी बिल्कुल खत्म। हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में जाते थे और जब रिटायर होते थे तो उनके पास एक बंगला होता था, एक सम्मानजनक स्थिति होती थी। अब भैया थोड़े से दिन के बाद ये नक्शा देखने को नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे घर बैठे मिलेंगे। कर लो तुम और अंधविश्वास, कर लो तुम और ब्राह्मण भक्ति, कर लो तुम और दुश्मनों का चरण चुंबन, तुमको मिलने वाला कुछ नहीं है। मिलेगा क्या? इतना निर्दयी है ये अत्याचारी। अभी आपने देखा ना, एक वो जो गोरे कोरे गांव पर एक मूंछों वाला आया था, क्या नाम था उसका, मैं तो नाम भी भूल गया। कहते हैं बड़ा सादा जीवन जीता है, लंगोटी पहनता है, धोती पहनता है और सेव भी ऐसे बढ़ा रखे जैसे आम आदमी हो, मगर उसके पीछे अंदर छिपा क्या है? उसके अंदर एक बहुत भयंकर दानव छिपा है जो दलित विरोधी है, जो बहुजन विरोधी है। अभी एक आए हैं सारंगी है आदमी, नाम है उसका सारंगी, सारंगी या सारंगी, उड़ीसा से आए हैं। कितना सादा रहता है, कितना बड़ा ड्रामा है, मगर है वो अव्वल दर्जे का दलित विरोधी, बहुजन विरोधी, पिछड़ा विरोधी। तो इनके जो षड्यंत्र हैं, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सब षड्यंत्र हैं। हमको अंधविश्वासों में लगा के हमारी विरासत पे डाका डालते हैं, हमारी आंखें अंधविश्वास से हमारी आंखें बंद कर रखी हैं। मैं एक बात मानता हूँ, ईश्वर और आत्मा, आत्मा और परमात्मा, हम इनको नहीं मानते और ये मानते हैं और उन्हीं का प्रचार करते हैं। सारे अखबार देख लो, सारे टेलीविजन देख लो, पत्र पत्रिकाएं देख लो, इस पता ही नहीं चलता इस देश में कोई अनिश्वरवादी भी रहता है, इस देश में कोई आत्मा का विरोध करने वाला भी रहता है। ये सब षड्यंत्र है विचारधारा को फैलाने के लिए, दूसरे की विचारधारा को खत्म करने के लिए। तुम आत्मा परमात्मा को मानते हो, तुम्हारे पास शांति स्वरूप बोध आत्मा परमात्मा को नहीं मानता, मेरे से अलग तुम्हारे पास क्या है बता दीजिए? मुझसे अधिक अगर तुम्हारे पास, जब काम मेरा बगैर आत्मा परमात्मा के चल रहा है तो मैं क्यों मानूं आत्मा परमात्मा को? और क्यों तुम मानते हो? अरे मरना तुझको भी है आत्मा परमात्मा के मानने वाले, और मरना मुझे भी है, क्योंकि मेरे शास्त्र ने भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा था, अनेतावत संखारा, जितनी भी मिलकर बनी हुई चीजें हैं, जितनी भी, उन सबका नाश निश्चित है, उन सबका अंत निश्चित है। हम तो मानते हैं हमारा भी अंत होगा, मगर तुम हो जो मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय पाने का मंत्र पढ़ते हो फिर भी मर जाते हो। ये अंधविश्वास हैं, इनसे बचना चाहिए, ये हमारी लुटाई का साधन है। ये शातिर बदमाशों ने ये कहकर के, अरे पंडित जी ऐसा कह रहे हैं तो मतलब समझ लो वो अटल सत्य हो गया, मगर पंडित जी क्या करते हैं, वो षड्यंत्रों के सहारे चलते हैं। वो षड्यंत्र क्या होता है? हमें लूटने का, हमें बरगलाने का, हमें ठगने का होता है। तो आज अगर इस समाज का भला करना है तो इनके षड्यंत्रों से बचना चाहिए। देखिए ये भूत प्रेत देवी जाना यही अंधविश्वास नहीं है, ये जो हम शादियां कर रहे हैं और शादी में हजार हजार दो दो हजार आदमी बुला रहे हैं, देखिए ये भी ठगी का दूसरा तरीका क्या है कि पैसा हमारा, मेहनत हमारी, सेविंग हमारी, फिक्स हमने तुड़वाया और वो पैसा जा कर रहा है वो फार्म हाउस वाले के बहाने से फिर दुश्मनों के पास जा रहा है। इतना शानदार तंबू और बम्बू लगाया, उसको पैसा देना पड़ेगा लाखों रुपए, वो कहाँ जा रहा है? वो भी दुश्मनों के पास जा रहा है। तो हम अपना सब कुछ लुटाने में लगे हैं तो वो क्यों ना लूटेंगे? तो आज कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन दुष्ट है इसे पहचानने की जरूरत है, कौन तुम्हारा मित्र है और कौन तुम्हारे प्रति विचित्र है इसे पहचानने की जरूरत है। जिस दिन हम ये पहचान जाएंगे उस दिन हम प्रगति पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। आज ब्राह्मण को भी पिछाड़ने के चक्कर में हमारे लोग ब्राह्मणों से भी ज़्यादा अंधविश्वास जो कर रहे हैं, ये मौत की गारंटी है। अपने भविष्य को खत्म करने का एक उपाय है, इससे हम जितना जल्दी बचे उतना अच्छा है। और बुद्धिवाद के रास्ते पर चलो, बुद्ध के रास्ते पर चलो, फूले के रास्ते पर चलो, कबीर और रैदास के रास्ते पर चलो, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलो, बुद्धि के रास्ते पर चलो, विज्ञान के रास्ते पर चलो, इसके अलावा हमारी मुक्ति कहीं नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एस एम
न्यूज़ चैनल के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने कुछ विचार रख सकूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय संविधान। मैं शांति स्वरूप बोध जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने हमें कैसे समझाया कि अंधविश्वास को से दूर रहना चाहिए। तो धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।